वैसे काफ़ी मज़ा आया मालसज घाट राइड करने के लिए। अभी तक मुझे मतलब ना 5 दिन होके गए हैं मुझे मालसज घाट राइड करके, और अभी तक उसकी वाइब्स आ रही है और अभी तक वो फील आ रहा है कि मैं कहीं ना कहीं वहाँ पे मौजूद हूँ। तो मैं फिर से सोच रहा हूँ कि एक बार होके आऊँ मालसज घाट, तो देखते हैं कभी प्लान बनाते हैं। ओ भाई यहाँ पे कुछ झगड़ा चल रहा है शायद। तो भाई वहाँ पे शायद ना झगड़ा चल रहा है। काय झालं काय ओ भाई मतलब इन लोगों ने क्या ही ट्रैफिक कर दिया यहाँ पे, और ये लड़की गाली देते देते जा रही है अभी उसको। चलो भाई हम लोग निकलते हैं अभी यहाँ से। पता नहीं क्या रीज़न के वजह से झगड़ा कर रहे हैं, शायद ठोक दिया है किसी को किसी ने। खैर अपने को क्या करना है। सो अपन कहाँ पे थे? हाँ जी, तो भाई मालसज घाट राइड में जब मेरी गोप्रो की बैटरी डाउन हुई तभी भी बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं, तो वो मैं आपको आज बता देता हूँ कि एग्जैक्टली क्या हुआ है उस दिन। ओके सो गाइज, जैसे ही मेरे गोप्रो की बैटरी डाउन होती है तो हम लोग वहाँ पे और थोड़ी देर रुके थे, मतलब फ़ोटोज़ वगैरह फ़ोटो सेशन चालू था, वीडियोज़ निकाल रहे थे और काफ़ी मज़ा आ रहा था। तो जैसे ही हम लोग वहाँ से निकले हम लोग घाट उतर रहे थे, तो प्रशांत ने सोचा कि चलो यार अभी घाट उतरना ही है तो बाइक को बंद कर देते और ऐसे ही जाएगा, थोड़ा फ्यूल बच जाएगा हमारा और धीरे धीरे उतरेंगे, क्योंकि हम लोग को कोई जल्दबाजी नहीं थी घर पे जाने की। तो हम लोग ने सोचा चलो बाइक बंद कर देते और धीरे धीरे चलते हैं। तो प्रशांत मेरे को लीड कर रहा था, प्रशांत आगे था मैं पीछे था, हम लोग हमारे मतलब नॉर्मल 10-15 की स्पीड से हम लोग उतर रहे थे। उतने में एक टर्न आता है सामने, जैसे ही मैं टर्न लेता हूँ उसी टाइम पे एक कार पीछे से आती है और मुझे जानबूझ के कट मार के चली जाती है। अभी पता नहीं मुझे उन लोग ने क्यों जानबूझ के कट मार के चले गए, 4-5 बॉयज थे उनमें और हमारे एज के थे। जैसे ही वो कट मार के गए तो मेरे को सूझा नहीं क्या करूँ, तो मैं हड़बड़ा गया और मैंने जो है डिस्क ब्रेक दबा दिया आगे का एंड मेरी बाइक जो है वो स्लिप हो गई और मैं वहीं पे लुढ़क गया। तो प्रशांत ने देखा मेरे को और प्रशांत फटक से यू टर्न मार के आया। जिन्होंने मुझे कट मारी वो ऐसे भाग के चले गए ना, मतलब क्या ही बोलूँ, उसके बाद से वो दिखे भी नहीं। उसके बाद एक पीछे से कार वाला आता है, उन्होंने मुझे उठाया और उन्होंने पानी भी पूछा, तो काफ़ी अच्छा लगा। और ऐसे जो लोग हैं ना वो काफ़ी कम मिलते हैं। और ये भाई हमारा दुर्गाड़ी ब्रिज, तो ये एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, मतलब एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, हालांकि मुझे कुछ लगा नहीं, बट बाइक को जो है ना यहाँ आगे और पीछे 2 स्क्रैचेस आए हैं, तो वो बात जो है ना मेरे दिल पे लगी। और ये हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। तो वहाँ से जैसे ही हम लोग निकले उसके बाद बहुत तेज़ बारिश आ गई, तो हम तीनों भीग गए और कैसे कैसे करके हम लोग पूरा घाट उतर गए, कहीं पे रुके नहीं हम। और फाइनली नीचे उतरने के बाद एक होटल दिखा हम लोग को और सुबह से हम लोग ने कुछ खाया भी नहीं था, तो वहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लिया हम लोग ने, छोटा सा नहीं मतलब बढ़ा लिया, तो वहाँ पे थोड़ा खाना खाया और थोड़ा रिलैक्स किया। उसके बाद जैसे ही वहाँ से निकले फिर से भैया तेज़ बारिश हो गई, मतलब फिर से भीग गए हम लोग। तो ये सब चल रहा था, तो कैसे कैसे करके हम लोग घर पे पहुँचे। मैं कुछ 5-5:30 बजे तक घर पे पहुँच गया और जैसे ही घर पे पहुँचता हूँ तो भैया एक न्यूज़ आती है टीवी पे कि जहाँ पे हम लोग रुके थे, मतलब ये जो प्लेस आ रही है अभी जहाँ पे मैंने ये फ़ोटो निकाला है,
सेम उसी जगह पे एक कार का एक्सीडेंट हो जाता है। मतलब भाई आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा लक है हमारा कि हम लोग इसी जगह पे रुके थे, इसी जगह पे हम लोग ने हमारी बाइक खड़ी की थी और इसी जगह पे फ़ोटोज़ निकाल रहे थे और उसी जगह पे ये हादसा होता है। तो ये क्लिप मैं चला रहा हूँ अभी आपके सामने। लोग ने वीडियो देखी तो ये उसी जगह की है और उसी दिन के हादसे की है और हम लोग तभी घर पे पहुंच चुके थे। तो मुझे काफ़ी दुख हो रहा है उस कार वाले के लिए। ओ भाई, तो मुझे काफ़ी दुख हो रहा है उस कार वाले के लिए कि मतलब उसके गाड़ी का मतलब नामो निशान नहीं रहा। अभी वो कार चला तक नहीं सकता तो ऐसी हालत हो गई है उसके कार की। ओ भाई, बेचारे ने मतलब कितनी मेहनत करके वो कार खरीदी होगी और ऐसा कुछ हो जाए उसके साथ तो भाई बहुत बुरा लगता है। अगर मेरी बाइक उस जगह पे रहती ना तो मुझे मेरे बाइक का हैंडल तक नहीं मिलता था। खैर, मैं दुआ करूँगा कि वो बंदा मेहनत करे और वैसे दो गाड़ियाँ खरीद ले, क्योंकि भाई जिसका जाता है ना उसको ही मतलब पता है कि कितना दुख होता है। तो बाइक में अभी फ्यूल भी बहुत कम है। जब मैं मार्सेज जा रहा था तभी मैंने फ्यूलिंग करवाई थी, उसके बाद से मैंने एक बार भी फ्यूल नहीं करवाया है। और यहाँ पर ट्रैफिक क्यों, सिग्नल होके भी हम लोग रास्ते पर क्यों है? सिग्नल किसका होता है और कौन निकल रहा है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बाइक का एवरेज कम हो गया है। मतलब जब मैंने परचेस की थी तभी 35-38 तक आराम से देती थी और अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत कम हो गया है। तो इसका माइलेज टेस्ट करना पड़ेगा एक बार। तो अगर आपको माइलेज टेस्ट के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट डाउन मिलो, तो मैं बहुत ही जल्द वीडियो लेके आऊँगा। आज तो भैया हर जगह पर ट्रैफिक ही मिल रही है यार, ऐसा क्यों? यहाँ से लेते हैं यू टर्न। ये देखो गाइस, ये होते राइडर, क्या कर रहा है, ना हेलमेट पहना है ना शर्ट पहना है। मतलब इतनी जल्दी भाई इसको कि घर पे शर्ट ही भूल गया। यहाँ से लेते हैं लेफ्ट। तो भाई शाम होने आई है और थोड़ी देर में अभी अंधेरा हो जाएगा। और एक चीज़, मेरे बाइक पे जो स्क्रैचेस थे ना, मतलब आगे और पीछे दो स्क्रैचेस आए थे बड़े बड़े, तो मैं आपको आगे जाके दिखा देता हूँ कि कैसे स्क्रैचेस आए। और अभी फ़िलहाल चलते हैं घर पे क्योंकि अभी थोड़ी थोड़ी बारिश आनी फिर से स्टार्ट हो गई है और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं फिर से भीगूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं भीग चुका हूँ। तो भाई अभी तो चांस ही नहीं है भीगने का। क्या ही तेज़ बारिश आ गई 2 मिनट के अंदर। छट 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 छट, कहीं पे रुकना पड़ेगा। अरे रे रे, नहीं 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 नहीं, भीगना नहीं है ब्रो, भीगना नहीं है, भीगना नहीं है। शेट, ओ भाई 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 भाई, ओ मतलब भीग ही गया, क्या ही बोलो अभी यार। घर पे पहुंचने के बाद अगर आती तो कोई दिक्कत थी? Few inches later. हल्की मुल्की बारिश हो रही है अभी, तो हम लोग घर पे जा सकते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट मतलब पास में ही आ गए। तो 1 2 3 सो गाइज, आज की वीडियो में इतना कुछ खास नहीं था, बस सोचा कि चलो यार 5 दिन से घर पे पड़े तो एक छोटी सी राइड करके आते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, नहीं लगती है तो डिसलाइक कर दीजिए। ओ भाई भाई भाई, ओके सो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, नहीं लगती है तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। तब तक मिलते हैं हम लोग ऐसे ही कोई नए वीडियो में, नए मोटो व्लॉग में। स्टिल स्टे सेफ, स्टे ट्यून, बाय बाय। ओ भीगना नहीं है, अभी घर पे जाके डांट पड़ेगी। तो सबसे पहले ये बड़ा वाला स्क्रैच, ये जो क्लच है इस पे भी थोड़ा बहुत स्क्रैच आ गया है। ये एक चीज हुई है।